क्या तुमने कभी देखा है कहानी का कोई सानवी किरदार, गली के अंधेरे नुक्कड़ पर तन्हा अकेले खड़ा? सिगरेट का धुआं उड़ाते वो तन्हा अजनबी, बारिश की बौछार में छतरी ओढ़े भाग कर सड़क पार करते, उस अनजान को भागती ट्रेन से देखता, कोई तन्हा बैठा हुआ एक अनजान सा इंसान। ये छोटे छोटे सानवी किरदार बेरब्त से गैर अहम से बिना किसी जोर बिना किसी भरम के एक लम्हे में नजर से ओझल हो जाने वाले, जिन पर मरकजियत का बोझ और ना कोई इल्जाम, बस वही किरदार जीना चाहता हूं मैं। कहानी में बहुत दिन जिंदा रहा, मगर अब एक सानवी किरदार बनना चाहता हूं। और सुनो, क्या तुमने कभी सरहद देखी है? सरहद के एक पार अपना घर होता है, कुछ अजनबी सी खुशियां, कुछ शनासा से गम होते हैं, थोड़े पराए से अपने, कुछ अपनों जैसे पराए होते हैं। जबकि सरहद के उस पार घायल कर देने वाला जानी दुश्मन, कांटों वाली बाढ़, खंदकें और पहरेदार, मैं भी आज इस ऐसी सरहद पे खड़ा हूं जो तुम्हारे इश्क की सरहद है। मेरी और तुम्हारी मोहब्बत की सरहद। सरहद के इस पार मेरा सब कुछ है, कामरानियां, कामयाबियां, शादमानियां, इज्जत, दौलत, शोहरत, रुतबा, सब कुछ। मगर सरहद के उस पार घात लगाए बैठी एक बेरहम मोहब्बत, जिंदान, कैद और कफस, रुसवाइयों की खंदक और बदनामियों की एक खारदार तार, और मैं ढलती शाम के साए तले सरहद के बीचों बीच खड़ा हूं। किधर जाऊं कुछ समझ नहीं आता, एक तरफ दुश्मन इश्क है तो दूसरी तरफ मेरी कामयाबियां।